नमस्कार दोस्तों, बुरी खबर है भारतीय जनता पार्टी के चाहने वालों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की गोला विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक रहे अरविंद गिरी का मंगलवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो लखनऊ में एक मीटिंग में शामिल होने जा रहे थे, जब वो सिधौली के पास पहुंचे तो उनको चलती कार में हार्ट अटैक आया और इसके बाद उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। ऐसा माना जाता है कि अरविंद गिरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भी करीबी रहे हैं और पार्टी के अंदर भी उनका जो कद है, विधायक होने के साथ साथ एक अच्छी पकड़ है क्षेत्र में, एक अच्छा उनका रुतबा है और तमाम लोग हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, छोटे से लेकर बड़े स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बहुत ही डीप रूटेड तरीके से अरविंद गिरी जी कनेक्टेड थे। उनके निधन पर हॉकफिट परिवार की तरफ से भी उनके शोकाकुल परिवार को सांत्वनाएं और मैं आप लोगों से कहूंगा कि कमेंट में उनके परिवार के लिए आप सांत्वना मैसेज अगर लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए वहाँ पर और अरविंद गिरी जी की पुण्य आत्मा के लिए प्रार्थना करें। आपको बता देते हैं कि अरविंद गिरी जी का जन्म साल 1958 में 30 जून को हुआ था। राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ करी थी और साल 1995 में रिकॉर्ड वोटों से जीतकर गोला नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद 1996 में वो सपा के टिकट पर चुनाव लड़े और साल 2000 में वो फिर से गोला पालिका परिषद के अध्यक्ष चुने गए। साल 2002 में सपा के टिकट से वो फिर जीतकर विधायक बन गए। 2005 में उन्होंने अपने भाई की पत्नी अनीता गिरी को जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित कराया। इसके बाद 2007 में वो 58,000 मतों से जीतकर तीसरी बार विधायक चुने गए। 2012 का चुनाव वो बसपा के टिकट पर जीते और साल 2017 जब आया तो उन्होंने पाला बदला और बीजेपी के साथ आ गए और बीजेपी ने उनको टिकट दिया और वो फिर से गोला से चौथी बार विधायक बने और 2022 में भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और बंपर जीत हासिल करी। लगातार 5 बार जीत के कारण उनका जो राजनीतिक दबदबा था वो काफ़ी इम्प्रेसिव था। उनके निधन से पूरे ज़िले में एक शोक की लहर है। अभी के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।